डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक धातु संबंधी धातु विकार का एक योग बतला रहा हूँ, जिसमें आदमी को कब्ज रहने पर या मल त्यागते समय पेशाब के रास्ते से हाथ गिरना या पेशाब के रास्ते से चिपचिपा निकलना, इसी का एक योग बतला रहा हूँ। तुलसी का बीज 10 ग्राम ले लीजिए, अकराकरा उसको 10 ग्राम ले लीजिए, और मिश्री जो है उसी 20 ग्राम ले लीजिए, और उसको भूख लीजिए तीनों को। तीनों को भूखने के बाद एक सुरक्षित बर्तन में उसको रख दीजिए, और रखने के बाद 1 ग्राम प्रातः सेवन करें, और पीछे से दूध पिए पाव भर, और संध्या को भी 1 ग्राम सेवन करें और पीछे से दूध पिए। आपको हाथ संबंधी बीमारी दूर हो जाता है और पेट जो है साफ रहता है, किसी तरह का पेशाब के रास्ते से हाथ नहीं गिरता है, और किसी तरह का पेशाब भी जो है साफ आता है, किसी तरह का जलन नहीं होता है, रुकावट नहीं होता है, और यह औषधि बहुत अच्छा है। और उसके बाद इस औषधि को सेवन करने के लिए बाद जो है से भोजन जो है सुपाच्य करें, हल्का करें, ताकि तुरंत जो है पच जाए, पेट में किसी तरह का कब्ज नहीं होना चाहिए, पेट एकदम साफ होना चाहिए, और आपको खट्टा तीखा मीट मछली अंडा ये सब जितने या चिकनाहट पदार्थ या तेलहन के पदार्थ ये सब नहीं खाना चाहिए। सदा भोजन कीजिए और रोग से मुक्ति पाइए। और आपको इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, और जय धन्वंतरी जय आयुर्वेद। अगर हमारी भाषा को ना समझ पाते होंगे तो इसको कमेंट्स के द्वारा इसी बिंदु पर आप जो है सवाल हमसे कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, और इसी बिंदु पर आपको मैं सवाल को जवाब दूंगा। और बहुत से लोग हैं जो हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं या आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, वह जो है हमको फिर से दोबारा रिपीट मैं आपको करने का प्रयास करूंगा, और शांतिपूर्वक आपसे समझाने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, और वीडियो के हाथ संबंधी रोग पर बहुत से मैं वीडियो बना चुका हूं, और इस वीडियो को आप अवश्य देखें और उसमें चयन करें। आसान तरीका या जटिल तरीका दोनों तरह से मैं उसका उपयोग बतलाया हूं, उसको जो आपको उचित बुझाए उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। घरेलू चिकित्सा भी आपको मैं बताने का प्रयास बार बार कर रहा हूं, और आप इसका भी फायदा उठाने का प्रयास करें। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और जय धन्वंतरी जय आयुर्वेद।